जिस ताकत से इसराइल ने हमास का सफाया करने के लिए गाजा पर हमला किया था, अब इसराइल की वही ताकत लगातार कमजोर पड़ती जा रही है, क्योंकि गाजा के भीतर एक तरफ वो हमास से लड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरी इसराइल पर लेबनान के संगठन हिज़्बुल्लाह ने मोर्चा खोल रखा है। इजरायली सेना इन दोनों ही फ्रंट पर काफी मुश्किलों का सामना कर रही है। IDF हिज़्बुल्लाह पर एक हमला करती है तो उसके बदले में हिज़्बुल्लाह रॉकेट और ड्रोन हमलों की झड़ी लगा देता है। हाल ही में हिज़्बुल्लाह ने इजराइल पर एक बार में 100 से ज्यादा रॉकेटों से हमला किया था और एक बार फिर से हिज़्बुल्लाह ने इजराइल को दहला कर रख दिया है। दरअसल हिज़्बुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायली सेना के खिलाफ 6 बड़े हमले किए हैं। ये सभी हमले 14 मार्च 2024 को किए गए हैं। इनमें से ज्यादातर हमले इजराइल और लेबनान बॉर्डर के करीब हुए हैं। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि उसने 14 मार्च को करीब 3:15 बजे अल सुमाका सैन्य अड्डे पर हमला किया। ये सैन्य बेस कफार चौबा हिल्स में स्थित है। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि उसने इजरायली सेना पर सीधे रॉकेट दागे थे। इसके अलावा रुइसत अल अलाम सैन्य अड्डे पर भी हिज़्बुल्लाह ने गोलीबारी की है। इसके करीब 15 मिनट बाद अल मालिकिया सैन्य बेस पर भी हिज़्बुल्लाह ने रॉकेट और गोला बारूद से हमला कर दिया और यही नहीं, इसके बाद भी हिज़्बुल्लाह के लड़ाकों ने IDF पर हमले जारी रखे। अल करानीना हिल के दूसरी तरफ इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर हिज़्बुल्लाह ने बमबारी की है और ये इलाका लेबनान के यारून कस्बे के बिल्कुल सामने बसा हुआ है। इसके बाद बयाद बिल्दा में भी कुछ ऐसा ही नजारा रहा। हालांकि हिज़्बुल्लाह का कहना है कि बिल्दा हमले में इजरायली सेना को काफी जानमाल का नुकसान हुआ है, लेकिन IDF की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने हिज़्बुल्लाह के इन हमलों का जवाब देते हुए लेबनान के अल नकोरा में एयर स्ट्राइक की है। न्यूज एजेंसी अल मायादीन ने इस हमले की पुष्टि की है। अल मायादीन न्यूज एजेंसी का कहना है कि कावनीन के बाहरी इलाके में इजरायली सेना ने यारून कस्बे पर 3 बार हवाई हमला किया। इसके अलावा IDF ने तायर हरफा चम्मा और कफार किला के बाहरी इलाकों में बमबारी की है।